हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी एन सर। देखिए फ्रेंड्स, हमने मैट्रासेस इस चैप्टर में इसके पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से इसके पहले वीडियो लेक्चर में सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स हमें बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड करना है। ये ईच क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं ये चेक करना है। तो इसके लिए चलिए हम मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे नॉन ज़ीरो आता है तो ही इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, फिर ये 0 0 1। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा 0 और फिर इसके बाद है 0 0 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, जब ये फर्स्ट एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम स्किप करेंगे, रो और कॉलम से, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा, 0 इंटू 0 इज 0। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, माइनस साइन थीटा की जगह प्लस साइन थीटा लेना है। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा माइनस यहाँ पे बनेगा 0 प्लस अब 0 इंटू, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप करके इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस करते हैं तो ये भी 0 ही मिलेगा। और वैसे 0 इंटू कोई भी टर्म अगर यहाँ पे हमें मिलता है तो आंसर हमें 0 मिलेगा, इसलिए 0 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट हम नहीं लिखते हैं। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस 0, इट विल बी कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस 0, इट विल बी साइन थीटा। ओके, प्लस 0 लेने की हमें अब ज़रूरत नहीं है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1। वाई? बिकॉज इट इज़ फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें नॉन 0 मिल रहा है, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट हमें यूज करना है, लुक हियर, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय एलिमेंट्री। चलिए हम यहां पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसे हमें यूज करना है। ओके, अब देखिए, जब हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स A लिख लेते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स A? इट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 0 1, सॉरी, साइन थीटा कॉस थीटा 0, सेकेंड रो है साइन थीटा कॉस थीटा 0 और थर्ड रो है 0 0 1 0 0 1, इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमें पता है इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते समय हमारा ट्रैवलिंग पाथ पता है हमें, 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 लाना है, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 0 लाना है, ये हमने देखा इसके पहले, और फिर यहाँ पे हमें 1 लाना है, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 0। तो इसी प्रकार से हमारा ट्रैवलिंग पाथ रहेगा। लुक हियर, अब यहाँ पे अगर हमें 1 लाना है तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, सपोज हम फर्स्ट रो को कॉस थीटा से, देखिए ऑपरेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, R1 में चेंज करना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज सेकंड रो को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इनटू सेकंड रो, और दोनों का लेते हैं सम। देखिए क्या मिलेगा, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इट विल बी 1। तो देखिए अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये एक्चुअली ऑपरेशन कैसे रहेंगे। सपोज फर्स्ट रो को हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, ध्यान दीजिए, ओके। इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो मिलेगा, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा रहेगा, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो मिलेगा, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो हो जाएगा, ओके। हमने फर्स्ट रो को दोनों तरफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते, इसे मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, रफ में कैलकुलेशन ले रहे हम। इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, इसे मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, ओके। और इन सभी का हमें लेना है सम, एडिशन लेना है। देखिए ऑपरेशन क्या है, कॉस थीटा R1 प्लस साइन थीटा R2, तो सम लेना है, तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का सम लिया। तो अब ये दोनों भी टर्म सेम है, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, और दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो ये कैंसिल होगा, ये मिलेगा यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो प्लस ज़ीरो इट विल बी ज़ीरो। नौ कॉस थीटा प्लस ज़ीरो कॉस थीटा, ज़ीरो प्लस साइन थीटा साइन थीटा, बराबर है, और जीरो प्लस जीरो इट विल बी जीरो। तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट रो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज 1, तो फर्स्ट रो हो गया हमारा 1 0 0, समझ रहे ना आप, 1 0 0, ये 1 हो जाएगा, ओके, 1 0 0, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, 1 0 0 होगा। फिर देखिए अब सेकेंड रो एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0 0 1, इस प्रकार से मिला है हमें। अब इधर ए इनवर्स, क्योंकि चेंज तो सिर्फ फर्स्ट रो में होने वाला है, सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज है, कॉस थीटा प्लस 0 इट विल बी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मिला है, ये फिर साइन थीटा है और ये 0 है, फिर 0 1 0 0 0 1, फर्स्ट रो सेकेंड रो यहाँ पे, सेकेंड रो थर्ड रो यहाँ पे सेम रहेगा, सिर्फ हमें चेंज करना है फर्स्ट रो में, ओके, चेंज करना है हमें फर्स्ट रो में। अब देखिए इसके बाद लुक हियर, इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ज़ीरो, ध्यान दीजिए, वी नीड हियर ज़ीरो, यहाँ पे हमने 1 लाया, फिर इसके बाद यहाँ पे ज़ीरो चाहिए हमें, ओके। अब यहाँ पे ज़ीरो किस प्रकार से हमें मिल सकता है, देखिए मैं ऑपरेशन आपके सामने लिखता हूँ, वैसे आपने भी सोचना चाहिए, मैं आपको मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने पहले सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ ऑपरेशन, और देखिए कैसे रहेगा। तो नाउ R2 में हमें चेंज करना है, और चेंज किस प्रकार का लेंगे, क्या चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर ज़ीरो। मैंने आपको पहले कहा है, देखिए बेसिक थिंग हम कैसे सोचेंगे, यहाँ पर ज़ीरो कैसे आ सकता है, मैंने आपको पहले बताया, जब आपको यहाँ पे और यहाँ पे ज़ीरो लाना है तो कंपलसरी आपको यूज़ करना है इसके साथ फर्स्ट रो, आर यू रिमेंबर, ठीक है ना, याद आ रहा है क्या यूज़ करना है, फर्स्ट रो। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहता है, यहाँ ज़ीरो लाते समय यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ऑपरेशन है, फर्स्ट रो को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और अगर दोनों के साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन लेना है, दोनों के साइन अपोजिट है तो एडिशन लेना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, R1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, R1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमें R2 से माइनस करना है, R2 माइनस साइन थीटा R1। अगर आप इस प्रकार का ऑपरेशन लेते हो तो देखिए यहाँ पे आपको ज़ीरो मिलेगा। फर्स्ट रो हमारा एज इट इज़ 1 0 0, फर्स्ट रो में चेंज नहीं करना है हमें, चेंज कहाँ करना है, सेकंड रो में। देखिए इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो ज़ीरो, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो ही बनेगा, ओके। और कॉस थीटा से ज़ीरो को माइनस किया तो यहाँ पे कॉस थीटा मिलेगा, अब इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही होगा, जीरो से माइनस किया तो यहाँ पे जीरो रहेगा, फिर ये मिलेगा हमें 0 0 1 ओके इनटू ए इनवर्स इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए क्या करना है हमें, लुक हियर, हमें फर्स्ट रो को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और उसको सेकंड रो से माइनस करना है। ये हमारा फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा जीरो, इसमें हमें चेंज नहीं करना है, फर्स्ट रो हमारा एज इट इज। अब सेकंड रो में चेंज हमें किस प्रकार का करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा से साइन थीटा से और इसमें से माइनस करना है, तो ये मिलेगा हमें माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसे हमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा और इसमें से माइनस करना है तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल ऑपरेशन है, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या रहता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये रफ में करके देखना है, वीडियो अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक अच्छी तरह से देखिए, नहीं तो बीच में अगर पॉज करोगे देखोगे पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट दे दोगे सर समझ नहीं रहा है। देखिए समझने के लिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। ओके, क्या किया हमने, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये साइन स्क्वायर थीटा मिला, 1 से माइनस किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं तो क्या होगा, बीच में पॉज करोगे मतलब फॉरवर्ड करोगे आप और फिर बाद में देखोगे तो बिल्कुल नींद में से जब जागते हो ऐसा हो जाएगा, ये कैसे क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे। ऐसा नहीं, आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो ठीक तरह से देखना है। इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, पी एन सर क्लास 12, उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। पी एन सर क्लास 12, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 12 के लिए, पी एन सर क्लास 11 11 के लिए, पी एन सर क्लास 10 10 के लिए भी है, 10 11 12 तीनों क्लासेस के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा फिर यहाँ पे रहेगा 0, फिर इसके बाद ये 0 0 1 ओके। इस प्रकार से हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम अब 1 0 0 मिला है, अब यहाँ 1 चाहिए, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। इसको आपको इस सेकंड रो को आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना है, इस एलिमेंट को अगर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा 1। तो हमारा R2 का चेंज है, चेंज कहाँ करना है R2 में, और किस प्रकार का चेंज करना है, R2 को 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू R2, ठीक है ना। सेकंड रो को 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये रहेगा 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर 0 0 1 ओके। हमने सेकंड रो को कॉस थीटा से डिवाइड किया है इनटू ए इनवर्स इक्वल टू, अगर सेकंड रो को कॉस थीटा से डिवाइड करता है तो देखिए इधर हमें चेंज क्या मिलेगा, फर्स्ट रो तो हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखिए इसे अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा कॉस थीटा, जीरो को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा 0 और फिर ये 0 0 1 ओके। तो इस प्रकार से, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I इंटू ए इनवर्स, इसके बाद का स्टेप आपको क्या लिखना है, I इंटू ए इनवर्स, मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू दिस। अब नीचे जगह नहीं है, मैं इसके आगे नहीं लिखता हूँ, आपको लिखना है, लेकिन क्या करना है, इस मैट्रिक्स को क्या लेना है, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, I इंटू ए इनवर्स मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स रहेगा यहाँ का। अब देखिए इनवर्स सही है या नहीं हम चेक कर सकते, बहुत ही ईजी है। इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपको 1 मिलेगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जीरो से जीरो को मल्टीप्लाई किया जीरो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जीरो मतलब वन प्लस जीरो मतलब वन मिलेगा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जीरो इंटू जीरो जीरो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या रहेगा वन। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट भी हमें वन मिल रहा है। अब उसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट देखिए, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम का, थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट हमें लेना है। देखिए जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। ओके, तो इसका अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम का तो ये भी आंसर हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद का स्टेप ऊपर लिख के देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। अब देखिए इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर लिखता हूँ, हमें क्या करना है इसके बाद। वैसे बहुत ही ईजी स्टेप है लेकिन फिर भी मैं लिख के देता हूँ आपको। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इतना पार्ट मैं यहाँ का रब कर लेता हूँ। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है वेरी सिंपल, ये मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आप लिख सकते हो वैसे, देयरफॉर आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा जीरो, फिर इसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो, फिर इसके बाद रहेगा ज़ीरो ज़ीरो वन। ओके, व्हाट इज आई इनटू ए इनवर्स, इट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स मिलेगा। ए इनवर्स इक्वल्स टू इट विल बी कॉस थीटा साइन थीटा ज़ीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो 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 वन। तो ये रहेगा यहाँ का ए इनवर्स। और हमने वेरीफाई तो कर लिया है, इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें वन मिल रहा है, इसके सेकंड रो से इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर वन मिल रहा है, इसके थर्ड रो से उसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर हमें वन मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब सेम मैट्रिक्स का इनवर्स हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके फाइंड करना है। ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है मतलब हमारे पास आइडेंटिटी रहेगी ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए हम लिखते हैं, मैट्रिक्स ए इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ज़ीरो, फिर यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो, फिर इसके बाद जीरो जीरो वन। ओके, नाउ लुक हियर इक्वल्स टू, यहां पे लेना है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, मतलब वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका चेंज इस प्रकार से रहेगा, वन फिर जीरो फिर यहाँ पे ज़ीरो फिर यहाँ वन फिर यहाँ पे ज़ीरो फिर यहाँ पे ज़ीरो फिर यहाँ वन फिर ज़ीरो और फिर से ज़ीरो। तो इस प्रकार से हमारा ट्रैवलिंग पाथ रहेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे वन लाना है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ का सेकंड कॉलम। और देखिए ऑपरेशन किस प्रकार का रहेगा, लुक हियर हमें फर्स्ट कॉलम में चेंज लेना है। हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड कॉलम को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का लेते हैं सब्सट्रैक्शन। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे वन मिलेगा। कैसे मिलेगा, लुक यार ये फर्स्ट कॉलम है, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा मिलेगा और फिर यहाँ पे रहेगा ज़ीरो। ये फर्स्ट कॉलम हुआ हमारा। अब सेकंड कॉलम को हम साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, और इसे अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज़ीरो मिलेगा। अब माइनस करना है, इन दोनों में ऑपरेशन क्या लेना है, माइनस का। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लुक हियर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? वन। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे वन मिल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल होगा तो जीरो, और यहाँ पे मिल रहा है हमें जीरो। इसका मतलब ये फर्स्ट कॉलम रहेगा 1 0 0। ओके, इसके बाद लुक हियर, अब ये सेकंड कॉलम हमें एज इट इज लिखना है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, फिर यहाँ पे 0 0 1। ये हुआ मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में उसी प्रकार का चेंज लेना है। इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे सिर्फ मिलेगा हमें कॉस थीटा, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, और कॉस थीटा माइनस जीरो कॉस थीटा, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा। दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें माइनस साइन थीटा। समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल है। इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, जीरो बन जाएगा, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा होगा, जीरो माइनस साइन थीटा, इट विल बी माइनस साइन थीटा। इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, जीरो माइनस जीरो इट विल बी जीरो। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम रहेगा 0 1 0, और थर्ड कॉलम रहेगा 0 0 1। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है? हमारा फर्स्ट कॉलम तो अब 1 0 0 बन चुका है, हमें इसे 1 0 0 में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम नहीं, फर्स्ट रो को 1 0 0 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। अब फर्स्ट कॉलम तो हमारा 1 0 0 हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाना है? इस एलिमेंट के पास। ओके, इसे जीरो, मतलब इस माइनस साइन थीटा को जीरो में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ऑपरेशन क्या रहेगा, वेरी सिंपल। हमें पता है जब भी यहाँ पे जीरो लाना है, इसके साथ यूज़ करना है फर्स्ट कॉलम को। हम फर्स्ट कॉलम को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में अगर ऐड करते हैं, मतलब इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा अगर ऐड करते हैं तो ये आंसर मिलेगा हमें ज़ीरो। तो देखिए, अब यहाँ पे C2 में हमें चेंज लाना है, और किस प्रकार का हम चेंज लाएंगे? लुक हियर, C2 प्लस साइन थीटा C1। हमने क्या किया? फर्स्ट कॉलम को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, और दोनों का अब यहाँ पे एडिशन लेते हैं। नाउ A इनवर्स इनटू, इट विल बी फर्स्ट कॉलम 1 0 0। अब इसे अगर हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो ज़ीरो हो जाएगा, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो हियर वी गेट सिंपली कॉस थीटा, बराबर है। इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये ज़ीरो ही रहेगा, मतलब अब यहाँ का सेकंड कॉलम बनेगा 0 cos थीटा 0, और थर्ड कॉलम एज इट इज़ लिखना है 0 0 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसी प्रकार का चेंज आपको इधर लेना है। क्या करना है हमें? देखिए, फर्स्ट कॉलम तो हमें एज इट इज़ लिखना है, क्यों? क्योंकि चेंज सेकंड कॉलम में कॉस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ज़ीरो में ऐड किया तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, किससे मल्टीप्लाई करना है? सॉरी, कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहेगा, बराबर है, ये रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीप्लाई किससे करना है? साइन थीटा से करना है। कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो में ऐड करना है तो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें ऐड करना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 में ऐड करना है, मतलब ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना आप? देखिए, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 में ऐड करना है 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बनेगा हो 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करना है तो 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना है। साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, इसमें ऐड किया तो जीरो ही रहेगा। तो ये रहेगा 0 0 1, थर्ड कॉलम एज इट इज। ओके, फिर इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इस एलिमेंट के पास। इसको जीरो में कन्वर्ट किया, इसे जीरो में कन्वर्ट करना था लेकिन ऑलरेडी जीरो है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इसे लाना है 1, यहाँ पे हम सेकंड कॉलम को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब सेकंड कॉलम को 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू C2, तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। देखिए A इनवर्स इंटू ये फर्स्ट कॉलम 1 0 0, सेकेंड कॉलम 0 1 0, थर्ड कॉलम 0 0 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या करना है, सेकेंड कॉलम को 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कॉस थीटा से डिवाइड करना है। नाउ इट विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर 0। फिर इसे कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये रहेगा साइन थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये रहेगा कॉस थीटा, 0 को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये मिलेगा 0। ओके, फिर इसके बाद 0 0 1, देखिए सेकंड कॉलम को हम 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। इसे डिवाइड किया तो साइन थीटा, इसे डिवाइड किया तो कॉस थीटा, इसे डिवाइड किया तो 0। फिर ये थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज 0 0 1। तो इस प्रकार से देखिए, अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसे मैं रब कर देता हूं। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दिया था, इसे मैं अब रब कर लेता हूं। और देखिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स इंटू I, इस प्रकार से लिख सकते हैं। A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, और फिर ये मैट्रिक्स रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ओके, एंड देयरफॉर अब देखिए A इनवर्स इंटू I इज A इनवर्स। A इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, ये रहेगा। ओके, अब देखिए ये रहेगा यहाँ का A इनवर्स, और चेक कर सकते हो, और यही A इनवर्स हमें पहले मिला था। चाहे तो आप फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर 1 मिलेगा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपको 1 मिलेगा। और थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपको 1 मिलेगा। हमने यहाँ पे जो इनवर्स फाइंड किया है ये इनवर्स सही है। अब इस पूरे इसका स्क्रीनशॉट लिया। नंबर 9 में हमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दिया है, AB फाइंड करना है, साथ में AB इनवर्स फाइंड करना है। ओके, और वेरीफाई करना है AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, AB, फिर उसके बाद AB इनवर्स, फिर उसके बाद हमें B इनवर्स A इनवर्स फाइंड करना है, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं AB, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स A इज़ 2 3 1 2, और मैट्रिक्स B हमारे पास है 1 0 3 1। ठीक है ना, इन दोनों का हमें यहाँ पे अब प्रोडक्ट लेना है। लुक हियर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना रहता है तो पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 3 से 1 3 को मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2 प्लस 9, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 0 0, और 3 इंटू 1 3। देखिए हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 3 इज़ 6। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2। तो इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स AB, देखिए क्या रहेगा, मैट्रिक्स AB क्या रहेगा, 2 प्लस 9 11, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 6 7, 0 प्लस 2 2. यह है मैट्रिक्स ए बी. इसका हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है. क्यों? क्योंकि हमें ए बी इन्वर्स फाइंड करना है. अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है नहीं, ये देखना पड़ेगा पहले. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 11 3 7 2. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 11 into 2 22, 7 into 3 21, 22 minus 21 it is 1 which is not equals to 0. मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट. यहाँ पे ए बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा. अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए या तो आप एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ करेंगे. इसके लिए हमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं. हमें फॉर्मूला पता है, ए आई जे इक्वल्स टू -1 ⁴ i + j × m i j. को फैक्टर्स का फॉर्मूला. तो हमारे पास को फैक्टर्स देखिए क्या क्या है. a11 है, a12 है, a21 है और फिर a22 है. ऐसे 4 को फैक्टर्स, a11 a12 a21 a22. a11 इज -1 रेस टू 2, 1 + 1 का सम 2. फिर यहाँ पे -1 का सम कितना रहेगा 3 पावर में. यहाँ पे भी -1 का सम 3 पावर में. यहाँ पे -1 का सम 4 पावर में रहेगा. दिख रहा है ना आपको ये, लेट मी टू सी. ओके ये दिखता है, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल्स इनटू, अब हमें लेना है इसके साथ m11, इसके साथ लेना है m12, ध्यान दीजिए, इसके साथ लेना है m21 और इसके साथ लेना है m22 कोफैक्टर्स. थोड़ा सा इसको अब मैं क्रॉस में लिखता हूँ, मतलब ये इधर ऊपर आएगा, ठीक है. -1 का स्क्वायर +1, यहाँ पे -1 का क्यूब -1, यहाँ पे अगेन -1 का क्यूब -1 और -1 रेस टू 4 इज +1. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप किया तो इसके साथ 2 रहेगा. इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्कीप किया तो इसके साथ 7 रहेगा. हम माइनर ले रहे हैं. m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्कीप किया तो इसके साथ हमें 3 मिलेगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम स्कीप किया तो इसके साथ 11 रहेगा. नाउ दिस विल बी 2, देन -7, यहाँ पे -3 और यहाँ पे रहेगा 11, ठीक है ना. 1 into 2 2, -1 into 7 -7, -1 into 3 -3, 1 into 11 11. इस प्रकार से. अब इसके बाद हम कंसिडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. ये हमें यहाँ पे लेना है एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये जो को फैक्टर्स है इसका ही मैट्रिक्स लेना है. a11 a12 फिर a21 a22 और इसका ट्रांसपोज. अब ये पूरे एलिमेंट्स हम लिखते हैं. देखिए यहाँ पे रहेगा 2 -7, 2 -7 फिर -3 11, -3 11 और इसका ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज मतलब रो को हमें कॉलम में लिखना है तो इसका ट्रांसपोज हमें मिलेगा, ध्यान दीजिए, 2 -7 -3 11. हमने रो को कॉलम में लिखा है तो ये रहेगा इसका ट्रांसपोज. नाउ लुक हियर, अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारा सही है या नहीं यहीं पे पता चलता है आपको. किसी भी ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होने चाहिए. देखिए दिखाई देने चाहिए इंटरचेंज हुए हैं. लुक हियर, यहाँ पे 11 2 है, वहाँ पे 2 11. डायगोनल एलिमेंट्स मतलब अगर ये सपोज माइनस, यहाँ पे -11 था तो यहाँ पे -11 आना चाहिए था, ठीक है. डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे आके बैठना चाहिए, यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे जाके बैठना चाहिए. देखिए ओके. फिर ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इनके साइन चेंज होने चाहिए. देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन भी चेंज हो गए, तो इसका मतलब हमारा एडजॉइंट यहाँ पे सही है. अब हम फाइंड करते हैं ए बी इनवर्स. सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे. एडजॉइंट हमने किसका फाइंड किया, हमने एडजॉइंट फाइंड किया है ए बी का. ए का नहीं, किसका, ए बी का. ये जो मैट्रिक्स ए बी है इस मैट्रिक्स ए बी का हमने एडजॉइंट फाइंड किया है. ओके. नाउ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 1 अपॉन, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इट इज 1 1 अपॉन 1 इंटू 2 -3 -7 11. ओके तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स रहेगा 2 -3 -7 11. इसे कहेंगे हम सपोज फर्स्ट। हमने ए बी इनवर्स फाइंड किया है, इसे फर्स्ट हमने क्यों कहा है? क्योंकि हमें ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या वेरीफाई करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए बी इनवर्स हमारे पास है। अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। ना लुक हियर, मैट्रिक्स बी हमारे पास, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक्स बी है 2 3 1 2। अभी थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लेने दें, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा स्टेट बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 2, ठीक है ना। पहले बी इनवर्स फिर बाद में ए इनवर्स, या फिर आपने पहले ए इनवर्स बाद में बी इनवर्स फाइंड किया तो भी चलेगा। मैं पहले, अब यहाँ पे चलिए ये मैट्रिक्स हमने ए लिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा। हमने कौन सा मैट्रिक्स लिया है? ए, 2 3 1 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 4 1 × 3 3 4 - 3 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब कंफ्यूज मत होना, ये a11 मैं भले वहाँ पे लिखूँगा लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं ये जो कोफैक्टर्स है इसके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैट्रिक्स ए बी था तो आपने a11 a2 a12 a21 a22 ऐसा क्यों लिया है। कोफैक्टर्स को जनरली हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ए लिया, ab11 ab12 ab21 ab22। इस कन्फ्यूजन में जाना नहीं है, ठीक है ना। हम सीधा हमने यहाँ पे इसके कोफैक्टर्स कंसिडर किए। अब लुक हियर, इसके बाद मुझे इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने, इसके लिए भी मैं चलिए यही कंसिडर करता हूँ, a11 फिर a12 फिर a21 और फिर a22, ठीक है। नाउ a11 इज -1 रेज टू 1 + 1 साथ में m11, यहाँ पे -1 रेज टू 1 + 2 साथ में m12, फिर यहाँ पे -1 रेज टू 2 + 1 साथ में m21 और फिर यहाँ पे -1 रेज टू 2 + 2। अब इसे डायरेक्टली लिखते हैं 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 अगेन 3 2 + 2 is 4, ठीक है। और इसके साथ में हमें लेना है m22, -1 का स्क्वायर + 1, ये यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 रहेगा। फिर m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, मतलब 2, फिर यहाँ रहेगा 1। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो 3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 2। इस प्रकार से मिलेगा 1 × 2 is 2, फिर ये -1, फिर ये -3 और फिर यहाँ पे +2। ओके, अब यहाँ लिखता हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, पूरे कोफैक्टर्स लेने हैं। देखिए a11 a12 फिर a21 और फिर a22 और इनका ट्रांसपोज। वेरी सिंपल, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू, ये रहेंगे 2 - 1 - 3 2, 2 - 1 - 3 2 इसका ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज। लुक हियर, या फिर सीधा इसे ये जो रोज है इन्हें कॉलम में लिखना है और कॉलम को रोज में लिखना है, इसे ट्रांसपोज कहेंगे 2 - 1 - 3 2। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं, 2 2 है तो 2 2 ही रहेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के यहाँ पे साइन चेंज होने चाहिए। ये +1 था तो -1 मिला है, ये +3 था तो हमें -3 मिला है, इसका मतलब हमारा एडजॉइंट सही है। अब यहाँ पे मैं a इनवर्स इक्वल टू डायरेक्टली लिखता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, या फिर इसे यहाँ पे लिखूँ चलेगा, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू ये मैट्रिक्स 2 - 3 - 1 2, तो इसका मतलब ये रहेगा 2 - 3 - 1 2। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स ए का यहाँ पे इनवर्स फाइंड किया। अब चलिए मैट्रिक्स बी कंसीडर करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स बी नाउ, इट इज 1 0 3 1 1 0 3 1। ओके, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 3 1, तो ये रहेगा 1 - 0 विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, 1 - 0 इज 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, b इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे B इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, तो चलिए अब इसके लिखो यहाँ पे B11 चलेगा, फिर B12, फिर B21 और फिर B22। इस प्रकार से मैंने इसके कोफैक्टर्स लिख लिए। B11 इज -1 रेज़ टू 1 + 1 मतलब 2, ठीक है ना, -1 रेज़ टू 1 + 1 2। यहाँ पे -1 रेज़ टू 1 + 2 3, -1 रेज़ टू 2 + 1 3, -1 रेज़ टू 2 + 2 4। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो तो मैं चाहे तो AB लिखता हूँ, चलेगा, AB11, फिर ये AB12 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, AB21 और फिर AB22, ठीक है ना। AB11 मतलब ये AB, ये AB, ये AB और ये AB, इस प्रकार से है। यहाँ पे भी चेंज करते हैं तो आप कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा आपका। AB11 यहाँ पे AB12, यहाँ पे AB21 और यहाँ पे AB22 चलेगा। अब पूरा कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया, कैसे लिया क्या लिया, ठीक है ना। अब चलिए कोफैक्टर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। B11 -1 रेज़ टू 2 इट विल बी, लुक हियर, यहाँ पे इसके साथ लेना है हमें M11, इसके साथ लेना है M12, इसके साथ लेना है M21 और इसके साथ लेना है M22। नाउ -1 स्क्वायर इज +1, -1 क्यूब इज -1, -1 रेज़ टू 3 -1, -1 रेज़ टू 4 इज +1। अब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, चलेगा। ये 1, फिर यहाँ पे ये 3 लिखना है, फिर यहाँ पे ये 0 लिखना है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 1 लिखना है। देखिए बहुत ही ईजी है, क्या करना है हमें, ये देखिए ये यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 1 मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 0 मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 1 मिलेगा। इस प्रकार से, मतलब M11 मतलब यहाँ का एलिमेंट, M12 यहाँ का एलिमेंट, M21 यहाँ का एलिमेंट, M22 यहाँ का एलिमेंट रहेगा, ठीक है, ये याद रखने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। नाउ 1 × 1 इज 1, -1 × 3 इज -3, -1 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1। मैं सिर्फ किस प्रकार से आप सोच सकते हो इसके लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद B इन्वर्स या फिर पहले एडजॉइंट ऑफ B फाइंड करेंगे, फिर बाद में उसके बाद B इन्वर्स फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ B इक्वल्स टू क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ B इक्वल्स टू यहाँ पे लेते हैं B11, B12, B21, B22 और उसका ट्रांसपोज। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ B इक्वल्स टू, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिल, मतलब एडजॉइंट ऑफ B हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ के डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज होने चाहिए। मतलब एडजॉइंट ऑफ B हमें मिलेगा 1 0 -3 1। चलिए इस प्रकार से मिलता है क्या, देखेंगे। अब देखिए ये पूरे अगर हम कोफैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या है कोफैक्टर्स, 1 -3 0 1 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना है मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो ये मिलेगा 1 -3 0 1। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब 1 1 की जगह 1 1 ही रहेगा, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का यहाँ पे हमने साइन चेंज किया है। अब इसे कहेंगे हम थर्ड, ये जो हमने फाइंड किया इसे कहेंगे हम थर्ड। ओके, यहाँ पे जो हमने बी इन्वर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड किया हमने, हमें क्या फाइंड करना है, बी इन्वर्स। ओके, बी इन्वर्स लिख लेते हैं, बी इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 1 है, 1 अपॉन 1 इज 1 ही मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा 1 0 -3 1 और इसे कहेंगे हम थर्ड। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसको थर्ड कहा, इसको हमने सेकंड कहा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मेथड यूज़ किया है, चाहे तो आप इसके लिए एडजॉइंट, इसके लिए एलिमेंट्री रो, इसके लिए एलिमेंट्री कॉलम, ऐसा भी, मतलब आप कौन सा भी मेथड यहाँ पे यूज़ करके इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने AB इन्वर्स फाइंड किया, फिर A इन्वर्स फाइंड किया, फिर बाद में B इन्वर्स फाइंड किया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, AB इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स है क्या, ये वेरीफाई करना है। लुक हियर, अब यहाँ पे हमने AB इन्वर्स तो फाइंड किया फर्स्ट, इस थर्ड और सेकंड का प्रोडक्ट अगर इतना मिलता है ए बी इनवर्स इतना, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स रहेगा। तो इसके बाद हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं इधर का पार्ट अभी रब कर लेता हूँ, चलेगा, क्योंकि वही हमें लगना है कैलकुलेशन के लिए और जगह भी नहीं हमारे पास। अब इसे मैं रब कर देता हूँ। लुक हियर, हमें क्या करना है अब हमें ए बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स पहले फाइंड करना है। ठीक है, इतना पोर्शन मैंने रब कर लिया। हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमें क्या फाइंड करना है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। व्हाट इज बी इनवर्स? बी इनवर्स इज 10 - 3 1। ये बी इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू क्या है हमारे पास? ए इनवर्स इज 2 - 3 - 1 2। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, मतलब यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड से इसके वैल्यू लिखे हैं। ओके, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। नाउ देयरफॉर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 + 0 1 × 2 2 0 × -1 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 + 0 1 × -3 - 3 0 × 2 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 - 1 -3 × 2 - 6 1 × -1 - 1। फिर इसके बाद देखिए क्या मिलेगा हमें। इसके बाद ये हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट लिया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट लेते हैं। -3 × -3 इट विल बी +9, 1 × 2 इट विल बी +2। ठीक है, देयरफॉर ध्यान दीजिए b इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? 2 + 0 2, -3 + 0 -3, -6 - 1 -7, 9 + 2 11। चलिए, इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। हमने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, अब इसको 4th कॉल करेंगे। ओके, देखिए अभी ये भी मैं रब कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, ध्यान दीजिए उधर फ्रॉम सेकंड क्या नहीं फर्स्ट, इसे हमने ए बी इनवर्स को क्या नाम दिया है? फर्स्ट। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ उसको हमने फर्स्ट कहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ ए बी इनवर्स का वैल्यू 2 - 3 - 7 11 फर्स्ट में है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू फोर्थ में है। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ देखिए दोनों के राइट हैंड साइड सेम दिखते हैं। ए बी इनवर्स का राइट हैंड साइड क्या है? 2 - 3 - 7 11। और b इनवर्स इंटू ए इनवर्स का आंसर भी क्या है? 2 - 3 - 7 11। इसका मतलब दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। फर्स्ट और फोर्थ के राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम रहने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ए इनवर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी देखिए दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स रहेगा। अब इन दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में पहले मैट्रिक्स को हम प्री फैक्टर कहते हैं, दूसरे मैट्रिक्स को हम पोस्ट फैक्टर कहते हैं। मतलब अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स रहेगा इक्वल टू आप क्या ले सकते हो? पोस्ट फैक्टर का इनवर्स इनटू प्री फैक्टर का इनवर्स। ओके, ये प्रॉपर्टी आप यहां पे यूज कर सकते हो। आपने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इन दोनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड किया तो ये किसके इक्वल टू रहता है? ए बी इनवर्स के इक्वल टू रहता है। देयरफॉर ए बी इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, याद भी रखनी है। ए बी इनवर्स इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 4 5 2 1। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे शो करना है A इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 A - 5i। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुक यार, सबसे पहले हम मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड करेंगे। अब ये मैट्रिक्स A हमारे पास है 4 5 2 1। इसका इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा? जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 2 1। ओके, now this is equals to 4 × 1 4, 2 × 5 it will be 10, 4 × 1 4, 2 × 5 10, 4 - 10 is -6 which is not equals to 0, and therefore ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। अब इसका इन्वर्स आप या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। चलिए एडजॉइंट मेथड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास को फैक्टर का फॉर्मूला है ए आई जे इक्वल्स टू -1 प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब अब यहाँ पे हमें क्या क्या लेना है, a11 फिर a12 फिर a21 और फिर a22। ओके, तो माइनस a11 इज़ -1 प्लस 1 मतलब -1 फिर ये -1 फिर ये -1 अगेन 3 फिर ये -1 फिर इसके साथ यहाँ पे लेना है हमें m11 m12 m21 और m22। ओके, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का क्यूब -1 -1 का क्यूब -1 -1 इज प्लस 1। अब हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 1। बहुत सिंपल है, जब आप इसके देखिए माइनस लिखते हो ना, पहले ये लिखना है फिर बाद में इसे लिखना है फिर बाद में इसे लिखना है और फिर बाद में इसे लिखना है। देखिए बहुत ही शॉर्टकट है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। m11 के लिए इसे लेना है, m12 के लिए इसे लेना है, m21 के लिए इसे लेना है, m22 के लिए इसे लेना है। बहुत सिंपल है। ओके, 1 × 1 इज़ 1, -1 × 2 इज़ -2, -1 × 5 इज़ -5, 1 × 4 इज़ 4। तो इसके बाद हम a इन्वर्स पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और फिर उसके बाद ए इन्वर्स। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, a11 a12 a21 a22 और उसका ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमें 1 -2 -5 4 ये एलिमेंट लिख लेना है, 1 -2 -5 4 इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेना है मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 -2 -5 4। हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -6, 1 अपॉन -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लुक हियर, ये हमारा एडजॉइंट सही है या नहीं, मैंने चेक करने का आपको तरीका बताया। डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज दिखने चाहिए है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज होने चाहिए, वो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एडजॉइंट हमारा सही है, 1 -5 -2 4। अब ये आंसर सही है या नहीं ये भी चेक कर सकते हो इजीली। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट लीजिए, बाहर -6 है तो अंदर आपको प्रोडक्ट -6 ही मिलेगा, बाहर 1 अपॉन -6 है तो अंदर प्रोडक्ट -6 मिलेगा। देख लीजिए 4 × 1 4, 5 × -2 -10, 4 - 10 -6, बाहर -1/6 है, उससे मल्टीप्लाई किया तो 1। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × -5 -10, 1 × 4 प्लस 4 -10 प्लस 4 इट इज़ अगेन -6। ओके, तो आंसर हमारा ए इनवर्स यहाँ का हमारा सही है। अब देखिए हमें ये चेक करना है, इसे मैं फर्स्ट कहता हूँ, कॉल दिस फर्स्ट। ओके, अब लुक हियर, अब ये तो हमारी LHS हो गई, अब RHS हम फाइंड करेंगे। तो देखिए 1 अपॉन 6 इंटू ए -5i को हम फाइंड करते हैं। 1 अपॉन 6 इंटू मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लिखना है हमें, व्हाट इज मैट्रिक्स ए, 4 5 2 1, 4 5 2 1 -2 इंटू व्हाट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये ऑर्डर 2 का है तो वहाँ का मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का ही रहना चाहिए, तो ये रहेगा 1 0 0 1, वेरी सिंपल। ठीक है, एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए 1 अपॉन 6 इंटू ए -5i इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स 4 5 2 1, सेकेंड मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलेगा हमें 2 0 0 2 इन दोनों का। ठीक है ना, नाउ देयरफॉर 1 अपॉन 6 इंटू ए -5i इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 4 -2 2, 5 -0 5, 2 minus 0, 2, 1 minus 2, it will be minus 1. ठीक है, देखिए क्या मिल रहा है हमें, 4 minus 2, it will be 2, 5 minus 0, ये रहेगा 5, 4, 5, 2, 1, हमारी गलती कहाँ पे हो गई, 4, हाँ ठीक है, बाहर कितना है 1/6, हाँ सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने यहाँ पे 2 लिया है, किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5005 ऐसा है, ये गलती हो गई वहाँ पे, ये क्या था 5i और मैंने क्या लिया था 2 यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए 4 माइनस 5 इट विल बी माइनस 1, ओके। फिर इसके बाद 5 माइनस 0 यहाँ पे मिलेगा हमें 5, फिर 2 माइनस 0 यहाँ मिलेगा हमें 2, फिर 1 माइनस 5 यहाँ मिलेगा माइनस 4, ठीक है। नाउ दिस देयरफॉर ध्यान दीजिए 1/6 इंटू ए माइनस 5i। अब डिफरेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे +1 माइनस 5 +1, यहाँ पे -1 +5 है, यहाँ पे देखिए इन एलिमेंट्स के जो साइंस है इसके अपोजिट है, +1 है -1 है, -5 है +5 है, -2 है +2 है, +4 है -4 है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर -1/6 है, समझ रहे ना आप, और यहाँ पे क्या है 1/6 है, तो चलिए यहाँ से हम माइनस साइन बाहर लेते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे तो रास्ता नहीं, अब माइनस से मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे रास्ता है माइनस बाहर लेने का, तो यहाँ से माइनस बाहर लेते हैं, -1/6, माइनस साइन हमने बाहर लिया, तो ये माइनस वाला प्लस होगा, ये प्लस वाला माइनस होगा, ये प्लस वाला माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस होगा, ओके। 1/6 इंटू ए माइनस 5i, इसका आंसर भी हमें क्या मिल रहा है -1/6, 1 माइनस 5 माइनस 2 4। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड, इसे कहना है सेकंड, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करते हैं, दोनों इक्वेशन के RHS सेम है, तो दोनों इक्वेशन के LHS सेम रहेंगे, मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट A माइनस 5i रहेगा, इस प्रकार से, और यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड, ओके। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने A इनवर्स फाइंड किया और फिर हमने A इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 इंटू ए माइनस 5i इसे वेरीफाई किया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की है, मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियो लेक्चर्स को देखे बाद प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है वो लिखिए, आपको टीचिंग मेथड अच्छा लगता है वो लिखिए, आपको कंटेंट अच्छा लगता है वो लिख भेजिए कमेंट में, आपको मैं जो आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये आपको अच्छा लगता है ये कमेंट में, आप कमेंट बहुत सारे वे में कर सकते हो, मतलब बहुत सारे शब्द आपके पास है कमेंट करने के लिए, मैं आपके कुछ शब्द उधार चाहता हूँ, आपके पास जो शब्द है वो मैं उधार चाहता हूँ, उसे मैं वापस करूँगा और वीडियो लेक्चर्स बना के। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ओके। और देखिए मैं आपका, ठीक है मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आपका टीचर हूँ, लेकिन मुझे आप एज अ फ्रेंड यहाँ पर कंसिडर कीजिए, आपकी जो भी दिक्कत है जो भी समस्या है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, मैं सिर्फ आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका काउंसलर भी हूँ, मैं आपको काउंसलिंग भी कर सकता हूँ, अगर आपकी कुछ समस्या है कुछ दिक्कत है, मैथमेटिक्स पढ़ाई के बारे में दिक्कत है या फिर एजुकेशन रिलेटेड आपकी और कुछ समस्या है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए ये कमेंट बॉक्स में, मैं निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू लर्निंग, रिलेटेड टू अदर थिंग्स दैट रिलेटेड विद एजुकेशन, ओके, तो इन सभी आपके प्रॉब्लम्स को निश्चित रूप से मैं यहाँ पे सॉल्व करने का 100% प्रयास करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, मुझ पे विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, मेरे प्रति आपका विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपका 12 का हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। देखिए वैसे तो मेरे YouTube पे सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पेशली 2022 बैच के लिए मैं ये नए सिरे से वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। मतलब पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए, फिर भी मैं आपके लिए 2022 बैच के लिए फ्रेश मैं वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सेम कंटेंट मैं क्लास 10th 11th इन दोनों क्लासेस का भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपके क्लास 10th और 11th में जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और क्लास अनुसार टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो PN सर क्लास 12 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, लिंक यूज़ करके टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। एजुकेशनल जो न्यूज़ है ये भी हम आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं ये भी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं। तो एजुकेशनल एज ए एजुकेशनल काउंसिलर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल गाइडेंस आपको चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल न्यूज़ आपको अपडेट्स चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैथमेटिक्स के लिए तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और देखिए वीडियो देखे बाद लाइक करना है, वीडियो देखे बाद कमेंट करना है, वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और आपके फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।